हाय एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वेटनरी साइंस ऑप्शनल के लिए मैंने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी। वेटनरी साइंस ऑप्शनल जो होता है उसके दो पार्ट होते हैं, पेपर वन और पेपर टू। पेपर वन के अंदर 6 सब्जेक्ट आते हैं और पेपर टू के अंदर 5 सब्जेक्ट आते हैं। मैं सब्जेक्ट का नाम बताऊंगा और उसके लिए मैंने कौन सी बुक पढ़ी और उस बुक के राइटर का नाम आपको बताऊंगा। शुरुआत करते हैं पेपर वन के साथ। पेपर वन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है एनिमल न्यूट्रिशन। एनिमल न्यूट्रिशन के लिए मैंने दो बुक पढ़ी थी, दोनों बुक्स के राइटर है डीवी रेड्डी, अप्लाइड न्यूट्रिशन और प्रिंसिपल्स ऑफ द एनिमल न्यूट्रिशन। सेकंड बात करते हैं एनिमल जेनेटिक्स की। एनिमल जेनेटिक्स के लिए मैंने दो बुक पढ़ी थी, एस तोमर की बुक पढ़ी थी और कविता बी आलूवालिया, इन दोनों की मैंने बुक्स पढ़ी थी। जेनेटिक्स एंड एनिमल ब्रीडिंग, ये बुक का नाम था। थर्ड है एनिमल फिजियोलॉजी। एनिमल फिजियोलॉजी के लिए मैंने वेटनरी एनिमल फिजियोलॉजी की बुक पढ़ी थी, जो राइटर थे उनका नाम था बी भारद्वाज। इसके बाद है एनिमल गायनेकोलॉजी। एनिमल गायनेकोलॉजी के अंदर मेनली एंड्रोलॉजी आता है और एंड्रोलॉजी के लिए मैंने बुक पढ़ी थी MS सक्सेना। नेक्स्ट है LPM। LPM के लिए मैंने बुक पढ़ी थी थॉमस एंड शास्त्री की। इसके अलावा एक बुक है जिसका नाम है GC बनर्जी, टेक्स्ट बुक ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। जो ये पांचों सब्जेक्ट मैंने बताए हैं, एनिमल जेनेटिक्स, एनिमल न्यूट्रिशन, LPM और एनिमल गायनेकोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, ये चारों पांचों सब्जेक्ट इसके अंदर कवर्ड है, तो आप इस बुक को भी रेफर कर सकते हैं कुछ टॉपिक्स के लिए। पेपर वन के अंदर जो लास्ट है वो है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन के लिए जो मैंने बुक पढ़ी थी उसका नाम था GL रॉय। एक्सटेंशन के अंदर 4-5 टॉपिक हैं, आप किसी भी लाइब्रेरी से वो बुक इशू करवा के उनके नोट्स बना सकते हैं। मैंने इन बुक्स को पूरा नहीं पढ़ा, जो सिलेबस था उसको मैंने अच्छे से याद किया और इन बुक से उस सिलेबस के नोट्स बना लिए, और बुक्स मैंने लाइब्रेरी से ले ली थी और कुछ बुक मेरे पास थी, तो आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप BBSC एंड एच कर रहे हैं तो अभी आप बुक्स ले सकते हैं और उनके नोट्स बना सकते हैं। अब बात करते हैं पेपर टू के बारे में। पेपर टू के अंदर 5 सब्जेक्ट हैं। स्टार्टिंग करते हैं एनिमल डिजीज के साथ। एनिमल डिजीज के लिए मैंने प्रिवेंटिव मेडिसिन, क्लिनिकल मेडिसिन और सर्जरी, इन 3 सब्जेक्ट की बुक पढ़ी थी। प्रिवेंटिव मेडिसिन और क्लिनिकल मेडिसिन के अंदर अमलिंदु चक्रवर्ती की बुक है, सेम राइटर है, दो बुक है क्लिनिकल मेडिसिन और प्रिवेंटिव मेडिसिन, उससे मैंने नोट्स बना लिए थे। सर्जरी के लिए मैंने जो बुक पढ़ी थी उसका नाम था वेणुगोपाल, और उसके अलावा एक RS त्यागी की बुक थी। इनमें से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे उनके नोट्स बना लिए थे मैंने, RS त्यागी और वेणुगोपाल। इसके बाद बात करते हैं वेटनरी पब्लिक हेल्थ। वेटनरी पब्लिक हेल्थ के अंदर 2 टॉपिक आते हैं, एपिडेमियोलॉजी और जूनोसिस। एपिडेमियोलॉजी के लिए एक फॉरेन ऑथर है, उनकी बुक पढ़ी थी, नाम था माइकल थर्सफील्ड। और जूनोसिस के लिए जो बुक पढ़ी थी मैंने उसका नाम था, राइटर का नाम था चंद्रशेखर, वेटनरी जूनोसिस नाम से बुक है वो, और चंद्रशेखर इंडियन राइटर है, इनसे मैंने नोट्स बना लिए थे। LPT की बात करते हैं मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी की, तो सुकुमार डे की बुक आती है, पुरानी बुक है, काफी अच्छी बुक है, नाम है इसका आउटलाइन ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी, इस बुक से मैंने नोट्स बनाए थे। नेक्स्ट है LPT मीट एंड मीट प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी, इसके लिए एक सिंपल सी बुक है, बहुत अच्छी बुक है, BD शर्मा, मैंने उससे नोट्स बना लिए थे और ये काफ़ी अच्छी बुक है, आप इससे मतलब जल्दी कवर कर लेंगे सारा कुछ। लास्ट है एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी। ये जो 5 मैंने अभी बोले हैं ये सभी एक सब हेडिंग के अंदर हैं। तो एनाटॉमी के लिए, हिस्टोलॉजी के लिए और एम्ब्रियोलॉजी के लिए RK घोष की बुक मैंने पढ़ी थी, इनसे आप नोट्स बना लीजिए। ज़्यादा डिटेल में नोट्स मत बनाना, शॉर्ट नोट्स बनाना, क्योंकि बहुत कम क्वेश्चन आते हैं इससे। फार्माकोलॉजी के लिए अच्छी बुक है हरपाल सिंह संधु, मैंने वो बुक पढ़ी थी। और टॉक्सिकोलॉजी के लिए जो बुक थी उसका नाम था सतीश के गर्ग, वेटनरी टॉक्सिकोलॉजी करके बुक है, ब्लू कलर की, तो मैंने इन सभी बुक से नोट्स बना लिए। दोस्तों ये बुक सभी रेफरेंस बुक हैं, कोई भी बुक IAS एग्जामिनेशन के पर्पज से नहीं बनाई गई है। मैं मेरी खुद की बुक एक पब्लिश करने जा रहा हूँ, विद इन 6 मंथ वो पब्लिश कर दूंगा मैं, जिसमें वेटनरी के जो पुराने क्वेश्चंस हैं उनकी प्रॉपर एनालिसिस और जो मेरे खुद के नोट्स थे जो मैंने इन सभी बुक्स से मिलके बनाए थे उनको मैं उस बुक के अंदर पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। और वेटनरी साइंस के जो विद्यार्थी IAS की परीक्षा दे रहे हैं और जो फ्यूचर में देंगे उनके लिए होपफुली वो अच्छी बुक रहेगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।